So if you are going to give September 24 CA intermediate exams, then you must know this fact. Hi everyone, so I'm Nitin Sitani and I cleared my CA intermediate in the very first attempt just because I have appeared for both groups. And the benefit of giving both groups together is really, really, really very important for those who just want to pass the exams. Like मेरा ये clear था कि मुझे both groups साथ में देने starting से. मैंने कभी भी ये चीज़ shift ही नहीं करी थी मेरे mind में कि मैं एक group की तरफ shift भी होऊंगा. And the set of benefit is real. मैं both groups first time में pass कर पाया था क्योंकि मेरा setup हुआ था. और अगर आपने आपके दोनों ग्रुप्स की क्लासेस खत्म कर रखी है और स्टिल आप सोच रहे हो कि आपको एक ग्रुप ही देना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ग्रुप पर फोकस करो, बट सेकंड ग्रुप का भी आप एग्जाम फॉर्म फिल करो और एग्जाम्स के लिए अपीयर हो. जितना आपको टाइम मिले आप उसके लिए निकालो और उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ो. बिकॉज देखो है ना, क्या होता है कि ना, अगर आप एक ग्रुप दोगे फिर एक ग्रुप के बाद है ना आप आर्टिकलशिप कर भी नहीं सकते आप पहले जैसे कर सकते थे. अब तो आप एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप भी नहीं कर सकते. फिर आप दूसरा ग्रुप दोगे, फिर दोनों ग्रुप क्लियर होंगे, वो बाद की बात है. फिर उसके बाद आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे. सो इट विल ऑलवेज लेट कि आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे आपके फ्रेंड से. दूसरी चीज़ ये थी कि ना बेनिफिट जो है बोथ ग्रुप देने का, कई बार क्या होता है कि आपके मान लो कि ना 150 मार्क्स नहीं आए, आपके 140 मार्क्स रह गए, तो आपका वो पूरा ग्रुप रह जाता है. लेकिन मान लो आपने दोनों ग्रुप दिए, आपके एक जगह 150 में से 140 मार्क्स आ गए और दूसरी जगह आपके 160 मार्क्स आ गए, तो वहाँ पे वो सेटअप का बेनिफिट मिल जाएगा, वो 300 मार्क्स हो जाएंगे और आप दोनों ग्रुप पास हो जाओगे साथ में. ये चीज़ का बेनिफिट मुझे भी पर्सनली मिला था जब मैंने मेरा सी इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट दिया था. और देखो, अगर आप है ना 6 सब्जेक्ट को दिमाग में लेकर चलोगे ना शुरू से, सो आपकी कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. आपकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपको वो एक थोड़ा सा बर्डन सा लगेगा, बट आप एबल होगे उस चीज़ को कवर करने के लिए. आपकी मेंटेलिटी उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी और आपको अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ. किसी और की बातों में तो बिल्कुल मत आना, जस्ट नो योर थिंग्स. आप ही अपने आप को बेटर समझ सकते हो. सो प्लीज़ अपीयर फॉर दी बोथ ग्रुप्स टुगेदर आई विल से, और आपकी आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा बेस्ट हेल्पफुल करेगा. क्योंकि देखो ऑब्वियसली एक एक ग्रुप करके पास हुए हो, कोई जना दोनों ग्रुप्स एक साथ देखे आया, 6 मार्क्स भी लाया, तो उन चीज़ का इंपैक्ट थोड़ा बहुत आता है, इतना नहीं आता. मार्क्स मैटर नहीं करते ना, अटेम्प्ट मैटर करते हैं, आपकी पर्सनलिटी ओवरऑल मैटर करती है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप बोथ ग्रुप्स का बेनिफिट दो. पीपल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू, आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा खुद के अंदर, एंड यू विल एबल टू रियलाइज दी पावर ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स. So all the best.